दोस्तों मैंने खरीदा है तापारिया MDTN 82 एंड स्टैनली 66137। दोनों ही ऑलमोस्ट सेम प्राइस पॉइंट यानी कि 150 रुपीस के अंदर मिलने वाला डिजिटल टेस्टर है। 12 वोल्ट से 240 वोल्ट तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो को LCD स्क्रीन के साथ डिजिटली चेक किया जा सकता है एंड वीडियो एंड होने तक आप अपनी जरूरत के हिसाब से डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा डिजिटल टेस्टर आपके प्राइस एंड वर्क को फुलफिल कर सकता है। दोस्तों सबसे पहले चेक कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी को। हार्ड प्लास्टिक से बना हुआ इन दोनों डिजिटल टेस्टर बिल्कुल आइडेंटिकल है एंड हाथ में लेने से कौन सा किसको कॉपी किया है आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल है। ऑलमोस्ट सेम टू सेम इन दोनों टेस्टर की LCD डिस्प्ले की स्क्रीन साइज भी सेम टू सेम है और बिल्कुल पास लेके कंपेयर करने से स्टैनली 5% ज्यादा बड़ा फील हो सकता है तापारिया MDTN से कंपेयर करने पे। अभी जल्दी से इसे चेक कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लो को मैंने कर दिया है स्विच ऑन। एंड 220 वोल्ट डिस्प्ले में शो कर रहा है। साथ में ये छोटा सा लाइट लोड करंट को इंडिकेट कर रहा है। ऑन द अदर हैंड सेम फीचर हमें मिल जाता है स्टैनली की ये डिजिटल टेस्टर से, बट इसमें मिसिंग है इंडिकेटर लाइट। एंड अभी ब्रेक पॉइंट को चेक करना है। मैं ले रहा हूँ एक वायर एंड इसके अंदर के इलेक्ट्रिक फ्लो को चेक करके हमें आइडेंटिफाई करना है ब्रेक पॉइंट को। और दोनों ही टेस्टर बहुत ही अच्छे से ब्रेक पॉइंट को आइडेंटिफाई कर सकता है। मोल्डेड वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लो को बाहर से ही आइडेंटिफाई करने के लिए दोनों ही टेस्टर बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है एंड इससे इलेक्ट्रिक शॉक का भी खतरा होता है बहुत ही कम। दोस्तों फाइनली अभी मेन सवाल, कौन सा टेस्टर विनर है। बिल्ड क्वालिटी एंड फीचर दोनों ही टेस्टर में सेम टू सेम है, लेकिन इंडिकेटर लाइट तापारिया MDTN डिजिटल टेस्टर को विनर बना देता है। मैं दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप प्राइस को चेक करने के बाद अपने बजट के हिसाब से कोई भी टेस्टर को कंसीडर कर सकते हो। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक करके अपने बिलावे दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग यूट्यूबियन डेज।